गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर सेकंड। कल हम प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड का क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। चैप्टर सेकंड क्या था हमारा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण। हमने क्या पढ़ा कल इंट्रोडक्शन में, जानवरों में पोषण किस तरीके से होता है। हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से, वेरियस तरीके से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वह खाने का न्यूट्रिशन होता है, राइट। अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके का पोषण होता है। आज हम इस चैप्टर के क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कीवर्ड। चैप्टर सेकंड टॉपिक कीवर्ड। फर्स्ट कीवर्ड, एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको कल जब इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने बताया एब्जॉर्प्शन का मीन्स होता है अवशोषण। क्या होता है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, अवशोषित करना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट कीवर्ड एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच फूड इन सोल्यूबल फॉर्म आफ्टर बींग डाइजेस्टेड पासिस इन टू द ब्लड। मतलब फूड को पाचित करने के बाद, मतलब डाइजेस्ट करने के बाद उसका सॉल्यूबल फॉर्म में होना, मतलब विलयन के रूप में होना, और उसको किससे गुजारना, पासिस इन टू द ब्लड, ब्लड में से गुजारना, क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, राइट। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वो होता है वह प्रोसेस जिसमें फूड को, फूड डाइजेस्ट होने के बाद, भोजन पचने के बाद सोल्यूबल फॉर्म में पाया जाता है। कौन से फॉर्म में पाया जाता है, सोल्यूबल फॉर्म में पाया जाता है, और वो किस में से गुजर जाता है, ब्लड में से पास किया जाता है। फर्स्ट कीवर्ड क्लियर। सेकंड कीवर्ड, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड सिंपल नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। एक तरीके से साधारण, मतलब सिंपल तरीके का कंपोनेंट है जो किस में निर्माण करता है, प्रोटीन के ब्लॉक्स को निर्माण करने में मदद करता है। किसमें मदद करता है, प्रोटीन के ब्लॉक के निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है, राइट। सेकंड कीवर्ड क्लियर। अमीनो एसिड का मीन्स क्या होता है, सिंपल नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के ब्लॉक का निर्माण करने के लिए सिंपली तरीके से जो कंपोनेंट्स पाया जाता है वो क्या कहलाता है, अमीनो एसिड। सेकेंड कीवर्ड क्लियर। थर्ड, अमीबा। अमीबा एक तरीके से ऑर्गेनिज्म है, राइट। अमीबा इज यूनिसेल्यूलर। अमीबा कैसा है, यूनिसेल्यूलर है, एक कोशिका, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है सूक्ष्म जीव, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम उसको देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। कहाँ पाया जाता है, तालाब के पानी में पाया जाता है। थर्ड कीवर्ड क्लियर। थर्ड कीवर्ड क्या है हमारा, अमीबा। अमीबा क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, एक कोशिका होता है, सूक्ष्म जीव होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, तालाब के पानी में पाया जाता है। थर्ड कीवर्ड क्लियर। फोर्थ कीवर्ड, असमिलेशन। असमिलेशन का मीन्स होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, राइट। देखो इसका मीन्स समझते हैं आज हम। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में अवशोषित पदार्थ, मीन्स एब्जॉर्ब किए हुए पदार्थ को बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुँचाना। एंड वेयर दे आर यूज टू बिल्ड वेयर्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर बाय द बॉडी। और बॉडी में प्रोटीन की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उसको जटिल से सरल के रूप में चेंज करता है, राइट। समझ में आ गई है। असिमिलेशन का मीन्स होता है वह प्रोसेस जिसमें द एब्जॉर्ब सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया गया है उसके बॉडी को, मतलब ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं के थ्रू पूरे बॉडी के पार्ट तक पहुंचाया जाता है, और जहां उसकी प्रोटीन की नीड होती है वहां पे उसको भेजा जाता है। वह प्रोसेस क्या कहलाता है, असिमिलेशन। क्लियर फोर्थ कीवर्ड। नेक्स्ट फिफ्थ कीवर्ड, बिल। बिल का मीन्स होता है पित्त। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पित्त। द बिल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को पाचन करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल का। किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव हमारा कि फैट को डाइजेशन करने में, फैट को पचाने के लिए किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, पित्त का। हिंदी में पित्त कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके फिफ्थ कीवर्ड को, बिल। सिक्स्थ कीवर्ड, बकल कैविटी। बकल कैविटी इसका देखते हैं कीवर्ड, द अपर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट लीड्स टू फैनक्स एंड ओइसोफेगस। ओइसोफेगस मीन्स ऊपर की वह एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की वह गुहा जो कहाँ तक जाती है, ग्रसनी और अन्न प्रणाली तक जाती है। क्लियर, फर्स्ट से लेकर सिक्स कीवर्ड क्लियर। वापस हम एक बार रिपीट करते हैं इन कीवर्ड्स को। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मीन्स होता है अवशोषण, डाइजेस्ट फूड को सोल्यूबल फॉर्म में पाया जाना है, डाइजेस्ट फूड को सोल्यूबल फॉर्म में करना और उसको पास करना ब्लड में, मतलब डाइजेस्ट फूड को
फूड को डाइजेस्ट करना, उसको ब्लड वेसल्स में या ब्लड में पासिस करना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अमीनो एसिड क्या होता है? एक तरीके से सिंपल नेचुरली कंपोनेंट है जो किस में निर्माण करता है? प्रोटीन के ब्लॉक्स में निर्माण करने में मदद करता है। नेक्स्ट अमीबा क्या होता है? अमीबा यूनिसेल्युलर है, एक कोशिक है, माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्म जीव है और कहाँ पाया जाता है? तालाब के पानी में पाया जाता है। थर्ड कीवर्ड क्लियर। फोर्थ कीवर्ड असिमिलेशन, इसमें क्या होता है? एब्जॉर्ब सब्सटेंस को बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाया जाता है और जहां पे प्रोटीन की नीड होती है वहां पे उसको भेजा जाता है। बिल पित्त, इसका फैट को डाइजेशन करने में, तो वसा को पचाने में किसकी मदद होती है? बिल की इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट बकल कैविटी क्या होती है? अपर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनल का अपर एंड कहाँ तक जाता है? ग्रसनी और अन्य प्रणाली तक जाता है। फर्स्ट से सिक्स्थ कीवर्ड क्लियर। नेक्स्ट कीवर्ड पढ़ेंगे हम सेवन्थ कीवर्ड K9। K9 वह होता है जो इंसीजर और प्री मोलर के बीच में एक दांत होता है जो किसकी मदद करता है? टियरिंग, मीन्स फूड को चीरने में, राइट। K9 अ पॉइंटेड टूथ बिटवीन इन इंसीजर्स एंड प्री मोलर्स यूज्ड फॉर टियरिंग फूड। इंसीजर और प्री मोलर के बीच में पॉइंट होता है, एक दांत होता है जो फूड को टियरिंग में चीरने में मदद करता है, वो क्या कहलाता है? K9। K9 कौन सा टीथ होता है? इंसीजर और प्री मोलर्स के बीच में जो टीथ पाया जाता है जो किस में मदद करता है? हेल्प करता है टियरिंग फूड, मतलब फूड को चीरने में मदद करता है। नेक्स्ट सेल्यूलोज, 8th सेल्यूलोज अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन, वह कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है? इन ग्रास एंड द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेलवॉल, प्लांट की कोशिका भित्ति। सेलवॉल को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। प्लांट के सेलवॉल एंड ग्रास में मेन कंपोनेंट में, मतलब मुख्य घटक पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट डाइजेशन, डाइजेशन का मीन्स क्या होता है? पाचन करना, इसका यह है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इंटू सिंपलर वंस। ब्रेकिंग डाउन मतलब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, क्या कहलाता है? डाइजेशन, मतलब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में चेंज करना या जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ना, क्या कहलाता है? डाइजेशन। 10th कीवर्ड इजेस्टन, इजेस्टन मीन्स प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मतलब वह विधि जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मतलब अपचित भोजन और वेस्ट मतलब जो बेकार होता है उसको क्या करता है? एलिमिनेशन, बॉडी से मूव आउट कराता है, बाहर निकालता है, वो किस में आता है? इजेस्टन में कहलाता है। वह प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड अपचित भोजन और वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, वो क्या कहलाता है? इजेस्टन। नेक्स्ट कीवर्ड फैटी एसिड, फैटी एसिड किस में पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड इन फैट्स एंड ऑयल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड किस में पाया जाता है? फैट्स और ऑयल्स में, किसमें? वसा और तेलीय पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या होता है? एक बबल लाइक सैक मतलब एक गुब्बारे की जैसी संरचना होती है जिसमें क्या किया जाता है? इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, मतलब भोजन को अंदर लेके उसको पचित किया जाता है, मतलब भोजन को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं और उसको क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है, राइट। 7th to 12th कीवर्ड क्लियर। 7th कीवर्ड वापस रिपीट करते हैं। K9, K9 मीन्स इनसीजर और प्रीमोलर्स टीथ के बीच में एक टीथ होता है, इनसीजर और प्रीमोलर्स के बीच में एक दांत होता है जो क्या करता है? फूड को टियरिंग में, फूड को चीरने में मदद करता है, वो क्या कहलाता है? K9। नेक्स्ट कीवर्ड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? वह कार्बोहाइड्रेट, वह कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है? ग्रास में एंड प्लांट की सेलवॉल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। डाइजेशन, डाइजेशन का मीन्स होता है पाचन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल मतलब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में चेंज करना, मतलब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में चेंज करना, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। 10th कीवर्ड इजेस्टन, इजेस्टन का मीन्स होता है वह प्रोसेस जिसमें वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड अपचित भोजन और वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है, वो क्या कहलाता है? इजेस्टन। नेक्स्ट कीवर्ड फैटी एसिड, फैटी एसिड किस में पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड इन, कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है किस में? तेल में और वसा में, ऑयल एंड फैट्स में। नेक्स्ट फूड वैक्यूल क्या होता है? अ बबल लाइक सैक इन विच इनजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, मतलब बबल लाइक सैक होती है जो क्या करता है? फूड को अंदर लेता है, उसको पाचित करता है, राइट। बच्चों 7 to 12 कीवर्ड के लिए
नेक्स्ट कीवर्ड 13। 13 कीवर्ड है गैल ब्लैडर। गैल में पित्ताशय। अ स्मॉल सैक शेप्ड ऑर्गन वेयर बिल इज स्टोर्ड। स्मॉल सैक शेप्ड मतलब एक छोटी थैली के रूप में ऑर्गन होता है, अंग होता है, जिसमें क्या स्टोर्ड होता है, जिसमें क्या इकट्ठा होता है, पित्त इकट्ठा होता है। रेस्ट पिताशय में क्या इकट्ठा होता है, जैसे संरचना होती है, इसमें क्या स्टोर्ड होता है, पित्त मतलब बिल स्टोर्ड होता है। 13 कीवर्ड के लिए 14 कीवर्ड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मीन्स अ कलरलेस स्वीट टेस्टिंग कंपाउंड दैट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फैट। फैट में घटक पाया जाता है जो कैसा होता है, कलरलेस स्वीट मतलब रंगहीन मीठा होता है, जो किसमें मदद करता है टेस्टिंग में। टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है, और कैसा होता है, कलरलेस होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, फैट में प्रेजेंट होता है। 15 कीवर्ड इनसीजर। इनसीजर मतलब अ नैरो एज टूथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ यूज्ड फॉर कटिंग द फूड। फ्रंट ऑफ द माउथ, माउथ के फ्रंट में जो दो दांत पाए जाते हैं, माउथ के फ्रंट में जो एज नैरो एज वाले दांत पाए जाते हैं, वो किसमें मदद करते हैं, फूड को कट करने मतलब फूड को कटिंग करने में, काटने में मदद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनसीजर कहलाते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इनजेस्टन। इनजेस्टन का मीन्स टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ। माउथ के थ्रू फूड को अंदर लेना क्या कहलाता है, मतलब मुँह के थ्रू फूड को अंदर लेना इनजेस्टन कहलाता है। इनजेस्टन का मीन्स होता है अंतर्ग्रह। अंतर्ग्रह मीन्स फूड को अंदर लेना, राइट। 13-16 कीवर्ड क्लियर। गैल ब्लैडर मीन्स पित्ताशय। स्मॉल सैक लाइक मतलब एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, जिसमें क्या स्टोर होता है, पित्त मतलब बिल स्टोर होता है। नेक्स्ट क्रिस्टल क्या होता है, फैट में एक घटक पाया जाता है जो कैसा होता है, कलरलेस होता है, टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। इंसीजर क्या होता है, माउथ के फ्रंट में, मुंह के अग्रभाग में मतलब माउथ के फ्रंट में पैने दांत पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को कटिंग करने में, फूड को कट करने में मदद करते हैं। इंजेस्टन मीन्स फूड को मुंह के थ्रू अंदर लेना। आज हमने 1-16 कीवर्ड पढ़े। नेक्स्ट कीवर्ड हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे।